जब भी रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस आएंगे आपने क्या करना है, पहले जो रिमाइंडर है वो माइनस कर देना है, फिर जो आपके पास नंबर्स बनेंगे आपने उनका क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। आप जब एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो एचसीएफ जो है वो हमेशा आपके पास वो नंबर आता है जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता है। ऑलरेडी हम रिमाइंडर उसमें से माइनस कर चुके हैं, यानी कि एक्चुअल नंबर को जब आप एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो यू विल बी हैविंग द रिमाइंडर एज 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 70 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाट वी विल गेट, 65 फ्रॉम दिस। तो यू आर टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। दोनों में से जो मर्जी मेथड आप यूज करो, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन चाहे डिविजन मेथड, क्या आएगा यहाँ पे? Then 65, 1, 13, HCF आपका कितना आ जाएगा, 13। So this will be your answer. Now the next one. If 2 and half are the zeros of two or half आपको zeros given है of ax square plus 5x plus c. Then options है हमारे पास, a is equal to c is equal to 2, a is equal to c is equal to minus 2, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। क्या करें, 2 एंड 1/2 हमें जीरोस गिवन है ऑफ ax square plus 5x plus c, these are the options जो हमें find out करने हैं। What will be the sum of zeros? यहां से what will be the sum of zeros? Product of zeros and from here this is c by a. अब क्या करोगे, क्योंकि सेम पॉलिनोमियल के लिए सम है ये, तो उसको इक्वेट कर दो, सेम पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट है उनका कोफिशिएंट्स का, तो उनको इक्वेट कर दो, यहां से क्या आएगा, दिस इज ए, ये आपका कैंसिल आउट हुआ, तो ए कितना आ गया। अब इनको इक्वेट करो, हां जी यहाँ पे, हाँ जी ठीक है, अदरवाइज इससे करोगे तो c अपॉन a इक्वल टू 1, यानी कि c इज इक्वल टू a। अब a आप ऑलरेडी माइनस 2 निकाल चुके हो, तो c की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास, माइनस 2, तो बोथ ऑफ दीज आर इक्वल, तो b ऑप्शन आपका आंसर था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, ये बुक का ही था आपका क्वेश्चन। If one student is extra in each row, there would be two rows less, and if one student is less in each row, there will be three rows more. Then the number of students in the class is. You were to find out the number of students. कैसे करना है? क्या-क्या given है हमें यहाँ पे? क्या-क्या given है? हाँ, टोटल स्टूडेंट्स कैसे लोगे, एक्स वाई ले लोगे, ओके टोटल स्टूडेंट्स आपने एक्स वाई ले लिए। फिर जैसे मर्जी कर लो, दो तरीके से मैंने करवाया था ये सम आपको, ये सम जब हमने क्लास में डिस्कस किया था तो दो तरीके से डिस्कस किया था। हाँ जी, मैंने आपसे सॉल्यूशन पूछा है इसका, क्यों, हाँ तो बताओ फिर, ऐसे नहीं होता। स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, ठीक है, स्टूडेंट्स थे हमारे पास जितने भी हैं, हमें नहीं पता, एन मान लेते हैं हम उनको, तो इनको रोज में खड़ा किया गया। इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो, जैसे भी इनको हमने इनको जो है मेड टू स्टैंड किया, अगर हम हर रो में एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा देते हैं
तो देयर वुड बी टू रोज लेस, एक स्टूडेंट हर रो में बढ़ाने पे जितनी पहले एक्चुअल में रोज बन रही थी उससे टू लेस बनेंगी. एंड इफ वन स्टूडेंट इन ईच रो इज लेस, अगर एक स्टूडेंट हम हर रो में से रिमूव कर देते हैं, देन देयर वुड बी थ्री रोज मोर, तो तीन रोज और बनेंगी जितने स्टूडेंट्स हमने रिमूव किए हैं उनको एडजस्ट करने में. देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज, कितने स्टूडेंट्स होंगे क्लास में, किसको एक्स माने किसको वाई माने. हाँ जी, ओके, स्टूडेंट्स को हमने एक्स लिया, नंबर ऑफ रोज हमने वाई ले ली, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, टोटल वाई रोज हैं, तो एक्स इंटू वाई आपके पास टोटल स्टूडेंट्स आ गए. ठीक है, अब वो क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वन के अकॉर्डिंग भी वो क्या कह रहा है कि इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो देयर वुड बी टू रोज लेस. वन स्टूडेंट एक्स्ट्रा है और रोज कितनी लेस हुई, टू, तो क्या बनेगा. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम रहेंगे. ठीक है, सेकेंड कंडीशन में वो क्या कह रहे हैं, इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ईच रो तो थ्री रोज विल बी मोर. अब क्या करेंगे, क्या आएगा सिंप्लीफाई करके. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगी इक्वेशन मेरे पास, माइनस टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू. सेकेंड इक्वेशन, एक्स कितना आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, थ्री एक्स माइनस टू एक्स इज एक्स इज इक्वल टू फाइव. एक्स फाइव आया, वाई कितना आएगा, वाई ट्वेल्व आ जाएगा. और उसने हमसे क्या पूछा है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज एक्स इंटू वाई है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ट्वेल्व इंटू फाइव दैट इज सिक्सटी. नेक्स्ट क्वेश्चन था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई प्लस रूट फाइव. रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू फाइव के पैरेलल आपको लाइन निकालनी थी. दो तरीके हैं, एक तो आप जो भी आपको ऑप्शंस गिवन थी उसमें कौन सी कंडीशन चेक करनी थी, ए वन अपॉन ए टू. ठीक है, या तो ये कंडीशन चेक कर लो, अदरवाइज पैरेलल लाइन के लिए आपको पता होना चाहिए पैरेलल लाइन में आपका ये चीज बिल्कुल सेम होता है, जो ऊपर साइन है वही नीचे साइन आएगा, साथ में प्लस के कोई भी कांस्टेंट आपका हो सकता है. दिस इज इक्वल टू के आल्सो यू कैन टेक प्लस के, कोई भी कांस्टेंट होगा आपका. ये जो दो चीजें आएंगी पैरेलल लाइंस के केस में वो हमेशा सेम आते हैं. अगर वो लाइंस आपकी कोइंसिडेंट हैं तो ये दोनों भी आपका जो इनका रेशियो बन रहा होता है वो सेम बनता है. क्लियर, यानी कि वो किसी ना किसी का मल्टीपल बन रहा होता है आपका. तो हमारा इसमें ऑप्शन जो है आंसर आना था दैट वाज सी. उसके बाद ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x plus 6, 6y minus 5 equal to 0 and x plus 3y plus 4 equal to 0 represents two lines which are. तो कंडीशन चेक करनी थी आपने इसकी, a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 को कंपेयर करना था. डिपेंडिंग ऑन दैट आपका जो भी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाना था. देन गिवन था हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points A 1,5 and B 4,6 cuts the y-axis at. ये y-axis को कहाँ पे कट करेगा वो आपको बताना था, तो उसके लिए क्या करना था, y-axis को कट करेगा at some point of the form 0, y. फिर हमने क्या करना है, हमें पता है कि परपेंडिकुलर के ऊपर जब भी जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का,
अगर उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लेते हैं तो दैट पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप इसका लोगे तो ये जो है इन दो पॉइंट से आपका इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यानी कि पी ए जो है दैट विल बी इक्वल टू पी बी. तो आपने इसमें सिंपली क्या करना था, पी ए और पी बी को इक्वेट कर देना था. आपके पास एक रिलेशन आ जाता है एक्स और वाई की टर्म्स में. उसके बाद पॉइंट, क्योंकि हमें उसने कहा वेयर इट कट्स द एक्स एक्स वाई एक्सिस, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट को आपने क्या करना था, जीरो पुट कर देना था. आपके पास क्या आना था, y की वैल्यू. बताइए क्या करेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी बी, रूट हटाने के लिए मैंने स्क्वायर कर लिया, क्या बनेगा ये. चलिए क्या आएगा, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, फटाफट बोला करो आंसर. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो गई. अभी क्वेश्चन बताइए क्या बची हमारे पास, माइनस टू एक्स माइनस एट एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि सिक्स एक्स माइनस टेन वाई प्लस ट्वेल्व वाई प्लस टू वाई, रह क्या गया इधर 25 एंड 1 26 और इधर 36 एंड 16. कितना आएगा यहाँ पे, माइनस 20, यहाँ पे 1 भी है 25 भी है. 36 प्लस 16 इज 52. जब इधर लेके आओगे 52 को माइनस करोगे 26 में से, व्हाट यू विल गेट, 26 अगेन. सो दिस इज इक्वल टू 0. अब हमें क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो पुट करना है. तो क्या रह जाएगा, इधर ना भी लाओ तो 2y इक्वल टू 26. तो पॉइंट आ जाना था आपका 0, 13. नाउ द नेक्स्ट वन, इफ द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, देन आपको रेशियो फाइंड आउट करनी थी इसमें. सबसे पहले तो वैसे चेक कर लिया करो कि वो मिड पॉइंट तो नहीं बन रहा. बन रहा है इसमें 8 प्लस 4 बाई 2 6, नहीं बन रहा. ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्योंकि 6 नहीं आ रहा. तो अब हमने क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करनी है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, बोलो क्या आएगा जल्दी से. क्या बनाइए, एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव साइन है. इन द रेशियो 1:3 ये एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो क्या ऑप्शंस आएंगी, ऑप्शंस मुझे गिवन है, एपी इज हाफ ऑफ एबी है, ये एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब पी कहां होगा, एबी से बाहर होगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पी बी इज 1/3 ऑफ ए बी, देन नेक्स्ट इज ए पी इक्वल टू पी बी, ए पी इज 1/3 ऑफ ए बी. शायद नहीं, मुझे प्रॉपर आंसर दो. ये 1:3 एक्सटर्नली है, हाँ जी, पी साइड पे है. तो इनमें से कौन सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, वाई हाफ. कैसे, कैसे. तो अगर वो ना यूज करना हो देन
हर्षिता एक्सप्लेन दिस, सबको आवाज सुने आपके, एंड देन उसके बाद में आप में से किसी और से पूछूंगी, सो लिसन टू हर वेरी केयरफुली. आपको क्या समझ आया आप बताएंगे. बिल्कुल ठीक है. 1:3 था पी. हाँ वो चलो इसको और दूर कर देते हैं, ये लो मैंने रफ फिगर बनाई. ओके चलिए अब कंपेयर करो ऑप्शंस. हाँ जी एपी हाफ ऑफ एबी. एपी इज हाफ ऑफ एबी. एपी बड़ा है. पी इधर आएगा, पी इधर आएगा कि इधर आएगा, ए वाली साइड आएगा. इसको ए कर दो. नाउ कंपेयर. ये पता लग गया इधर क्यों आया. हाँ जी हाँ जी बी ए. -1:3 था. 1:1 अगर होता तो फिर हम इस साइड ले लें. हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं. तो कौन सा नेगेटिव आ गया उसमें क्या हुआ. तो विच ऑप्शन विल बी द आंसर. एक मिनट इधर से किसको रीजन समझ आया है आप बताओ मुझे. दोबारा से बताइए. लिसन टू हर वेरी केयरफुली. ओके क्या करेंगे उसमें, क्या आएगा उसमें. एनीवन एल्स. चलिए अमृत. हाँ तो डिस्टेंस फॉर्मूला बता दो. नो प्रॉब्लम. शी इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि वो सेक्शन फॉर्मूला से कह रही है. आप डिस्टेंस से भी कैलकुलेट कर सकते हो. बैठो बेटे बैठ जाओ. ओके चलो आप वैसे बताओ. ठीक है यू टेल मी लाइक दैट. एपी कितना आया आपका. रूट ओके. फिर आप सेक्शन फॉर्मूला नहीं यूज करोगे, डायरेक्ट आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे. दोनों इकट्ठे नहीं यूज करोगे. ठीक है. हाँ जी ए बी कितना आया. √20 इज. अब पी बी. What is PB? √45 is. अब बताइए. Which option is correct? AP is half of AB. अब यहाँ check करो. PB is 1/3 of AB. नहीं है. AP equal to PB. नहीं है. AP is equal to 1/3 of AB. ऑप्शन ए विल बी योर आंसर. फिर आप ये वाला फॉर्मूला मत यूज करना अगर इससे कंफ्यूजन हो रही है. अदरवाइज वो क्या है, ये 1 पार्ट है आपके, ये 3 पार्ट्स हैं, तो अकॉर्डिंगली पार्ट्स में से माइनस करके 1 माइनस करके आप अकॉर्डिंगली निकाल देंगे. ठीक है वो 1/3 और 2/3 का रेशियो आपका हाफ मिलेगा. वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो यू सिंपली फाइंड आउट द डिस्टेंस. उसमें आपका वो एक्सटर्नल वाला जो आप कह रहे थे कंसेप्ट रिलेटेड है वो भी नहीं आया बीच में. ठीक है क्लियर. किसका सिर्फ नेगेटिव साइन लगता है उसमें, नथिंग एल्स. नेगेटिव साइन एक्सटर्नली में अगर हमें दिया होता है हम मोस्टली पीछे वाले का लेके चलते हैं. अगर आगे वाले का ले लिया मींस वो हम आगे की तरफ लेके चल रहे हैं.
जिस किसी पॉइंट को हम शिफ्ट कर रहे हैं ना, नेगेटिव साइन उसके साथ लगा देते हैं। अगर उसको पीछे लेके आ रहे हैं तो आगे वाले के साथ लगाएंगे, पीछे से आगे लेके आ रहे हैं तो नहीं। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से किसी कोऑर्डिनेट का पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हो, कौन सा कोऑर्डिनेट लेते हो? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई फ्रॉम वाई एक्सिस, कौन सा कोऑर्डिनेट लेते हो? एक्स के वाई, एक्स कोऑर्डिनेट। तो आपका आंसर आ जाना था इसमें 3.7 पॉइंट गिवन था। ठीक, अब नेक्स्ट था, इफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर सप्लीमेंट्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, यहाँ पे क्लियर कट आपको मेंशनड था, ऑपोजिट गर्ल्स ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो आपको पता लग गया ए के ऑपोजिट सी, बी के ऑपोजिट डी। बट एक्चुअल में जो ये क्वेश्चन था, दैट वॉज अ क्वेश्चन दैट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्योंकि नहीं पढ़ा हुआ था, तो दैट्स व्हाई। अच्छा, इट्स ओके। सो आई थॉट कि आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट वॉज चेंज। अदरवाइज यू शुड नो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, 180। यानी कि ए और सी का सम 180, बी और डी का सम 180। तो स्टेटमेंट में अगर ऐसे आता है देन ऑल्सो आपका जो आंसर है दैट विल बी सेम। क्या आएगा यहाँ पे? अब साइन 90 प्लस कॉस 90 एंड दैट इज इक्वल टू 1। हाँ जी, 30th क्वेश्चन। 1 मिसप्रिंट है। नहीं, 1 नहीं है, ये 1 है, 1.7 है, क्योंकि 3 ऑप्शन ही नहीं है अब। हाँ, मैंने गलती से बोल दिया, आ रही हूं मैं धीरे धीरे आ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स इज, साइन एक्स और कॉस एक्स की साइन और कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड द मिनिमम वैल्यू इज, आप 0 लोगे, अदरवाइज वो वैसे -1 होती है। तो एक बार चेक कर लेना, इन केस अगर ऑप्शंस में -1 होगा तो यू आर टू मार्क दैट। बट क्योंकि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेटेड है तो 0 to 1 हम लेके चलते हैं, ठीक है। बट अगर पेपर में ऑप्शन -1 की आती है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दीज इज, ठीक है, दोनों की -1 एंड मैक्सिमम इज +1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स। ये भी क्वेश्चन चेंज किया था मैंने, वैसे डिस्कस किया था ये, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज लेस। ये क्वेश्चन था ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट, ठीक है। अगर आपको गिवन है ऑड्स इन फेवर, किया हुए मैंने, जो स्टूडेंट्स थे आई होप कि वो बता सकते हैं। जब हमें ऑड्स इन फेवर गिवन है तो हम क्या लेके चलते हैं? रेशो तो लेके चलते ही हैं, x अपॉन x प्लस y। एंड ऑड्स अगेंस्ट में जब इन फेवर है तो पहले वाला डिवाइडेड बाय देयर सम, जब ऑड्स अगेंस्ट है तो सेकंड वाला रेशो डिवाइडेड बाय देयर सम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअल में हमारा था, अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड x ब्लू बॉल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। उसमें था आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल या ऑड्स इन फेवर ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल वॉज 3:5 एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स था हमारे पास 6।
एंड ब्लू बॉल्स इज एक्स, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. 3:2 था ये क्वेश्चन. दोबारा सुन लो, मैं इस वाला नहीं बोल रही हूँ जो पेपर में है, जो एक्चुअल में क्वेश्चन था वो स्टेटमेंट में बोल रही हूँ. अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड एक्स ब्लू बॉल्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स इन फेवर ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज 3:2. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ऑड्स इन फेवर ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल आ गया. जहां पे ऑड्स इन फेवर आया मीन्स फर्स्ट वाली टर्म, फर्स्ट वाली रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो. तो ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट कर दिया गया था. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल आपको डायरेक्ट 3/5 दे दी. बातें कर ले पहले, पानी पी ले पहले. ये नहीं कि पानी पीते हुए भी कान इधर रखूं. और मैं यही देख रही थी दैट बोथ ऑफ यू वर टॉकिंग. ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, जहां हमें गिवन होगा वी विल बी गिवन सम रेशियो इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेशियो वाई. जब हम ऑड्स इन फेवर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट रेशियो डिवाइडेड बाय देयर सम. जब ऑड्स अगेंस्ट की बात कर रहे हैं तो सेकंड रेशियो डिवाइडेड बाय देयर सम. अब इस वाले क्वेश्चन में जो एक्चुअल क्वेश्चन था, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हमें गिवन थी. प्रोबेबिलिटी ऑड्स इन फेवर ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल वॉज 3:2. तो ऑड्स इन फेवर मीन्स 3/5 हमें प्रोबेबिलिटी गिवन थी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल. वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ. हाँ जी हाँ जी, क्या करेंगे अब इसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल हमें गिवन है और इसके अकॉर्डिंगली हमने निकाल के दोनों को क्या कर देना था, इक्वेट. नंबर ऑफ रेड बॉल्स 6 अपॉन टोटल 6+6 एंड दिस वॉज गिवन टू अस 3/5. सिंप्लीफाई करके यू वुड हैव गॉट योर आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टूगेदर. प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड हैविंग अ प्रोडक्ट लेस देन 16. प्रोडक्ट लेस देन 16 में कहां तक नंबर्स लेने थे? 1 के साथ सारे आ जाने थे. 1, 1, 1, 2. देन 2 के साथ ये भी सारे. 3 के साथ भी 3, 5 तक आ जाएंगे. ये हो गए 6, ये भी हो गए 6. 4 के साथ ये 3 हो गए. 5, 1, 5, 2, 5, 3 ये लेस देन 16 बन रहे हैं. देन 6 के साथ कितने बने टोटल? कितने केसेस बने? क्वेश्चन समझ आए? प्रोबेबिलिटी टू डाइस थ्रो की, उन पे जो नंबर ऑब्टेन्ड हो रहे हैं उनके टॉप पे, उनका प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 16. तो अगर फर्स्ट डाई पे 1 आ रहा है तो सेकंड डाई पे 1 से 6 कोई भी नंबर आए, प्रोडक्ट विल बी लेस देन 16. 6 केसेस बने. 2 के केस में भी 6 केसेस बने. 3 के केस में 3 6 18 है, वो हमने छोड़ दिया. देन 4 के केस में 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24 वाला छोड़ा. 5 के केस में भी 5 4 5 5 5 6 छोड़ा. 6 के केस में ओनली दीज टू ऑप्शंस आर देयर. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल 25 बने. टोटल कितने हैं? 36. सो दिस विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, इफ द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज. पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर हमें गिवन है, सर्कल का पैरामीटर इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर. रेडियस आर मान लिया सर्कल का एंड साइड ए मान ली स्क्वायर की. व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड एरिया? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर Now we are to find the ratio of their areas. Area of circle and area of square. अब R upon A की ratio I am having. So
तो ऑप्शन आंसर आ जाना था 4/π। पाई की उन्होंने वैल्यू 22/7 दी थी, तो 14:11 आपका आंसर आ जाना था। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से करना, इजी था वैसे। हार्दिक ये वाला पूछ रहे थे आप, इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का डायमीटर जब आपको ए बी गिवन है, आपको पता है सेमी सर्कल में जो हमारा एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो इट मींस ये आपका 90 डिग्री एंगल था। हमें ए सी गिवन था 6 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन था 8 सेंटीमीटर। वी वर टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस सर्कल के एरिया के लिए हमें क्या चाहिए था, रेडियस। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपो से रेडियस कितना आया, एबी 10 रेडियस 5। कहाँ गिवन है, मैं तो प्रॉपर मेथड बताऊंगी ना कि तुक्का बता दूं, ऐसे कर लो। 5 आ गया, पाई आर स्क्वायर से एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया आपका 25 पाई। इसमें से एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने माइनस करना था, ट्रायंगल। अब नेक्स्ट वाला ध्यान से करना, द एरिया ऑफ अ सेक्टर शोन इन द गिवन फिगर। नेक्स्ट ही करा रही हूँ, हमें इसका एरिया निकालना है। एंड द ऑप्शंस में जो हमें गिवन था दैट वाज द रिलेशन बिटवीन एल एंड आर। अब यहाँ क्या करोगे, मेरे पास थीटा नहीं है, एल को अगर मैं लिखूं तो लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, या चलो ये ले लो बस। अब यहाँ से सेकंड एरिया क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। जो हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है, एक तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है यानी कि ये निकालना है, और एल और आर की टर्म्स में होना चाहिए यानी कि वी आर टू इलिमिनेट थीटा। तो आप एक काम करोगे, थीटा को यहां से पुट कर दोगे यहां पे, ठीक है। थीटा मैंने रिप्लेस किया, कितना आया, ये 360 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर और आर कैंसिल आउट हो गया, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, गॉट इट। एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना था एंड दैट वाज इन टर्म्स ऑफ एल एंड आर, यानी कि आपको एरिया वाले फॉर्मूला में से थीटा इलिमिनेट करना था। थीटा इलिमिनेट करने के लिए हमने एल को यूज किया, यानी कि आपका ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज हाफ ऑफ एल इनटू आर थीटा की, हाँ फिर भी आ जाएगा, थीटा इलिमिनेट करना है। 228 31 39